दुनिया के वो पहाड़ जिनसे जुड़ी है लोगों की आस्था। अलग अलग धर्मों का है इन पहाड़ों से कनेक्शन। दुनिया भर में बड़ी संख्या में धार्मिक जगहें हैं जहां श्रद्धालुओं के अलावा आम पर्यटक भी घूमने जाते हैं, लेकिन जब सवाल आस्था का हो तो वहां सिर्फ लोग अपने ईश्वर के लिए जाते हैं। मगर आज हम आप लोगों को किन्हीं धार्मिक जगहों के बारे में नहीं बल्कि उन पहाड़ों के बारे में बताने वाले हैं जहां आस्था लोगों को खींच कर ले जाती है। दुनिया में ऐसे कई पहाड़ हैं जहां अलग अलग धर्मों के धार्मिक स्थल हैं। माउंट सिनाई मिस्र। वैसे तो सिनाई पहाड़ मिस्र में मौजूद है, लेकिन ये पहाड़ ईसाई धर्म के मानने वालों के लिए बेहद पवित्र है। कहा जाता है कि यहूदी लोगों को जब मिस्र से निकाला गया तो काफ़ी दिनों की यात्रा के बाद वो इसी पहाड़ पर रुके थे। इसी पहाड़ पर ईसा मसीह ने अपने चेले मूसा को 10 आज्ञाएं भी दी थी। तभी से ये पहाड़ ईसाई धर्म के मानने वालों के लिए पवित्र जगह है। माउंट सिनाई 2285 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। माउंट फूजी जापान। जापान का नाम आते ही सबसे पहले माउंट फूजी की तस्वीर ही दिमाग में आती है। हालांकि हम प्रकृति की इस नायाब रचना को पहाड़ जरूर कहते हैं, लेकिन ये वास्तव में 3 ज्वालामुखियों से मिलकर बना है। यहाँ की शिंतो मान्यता के अनुसार इसे पवित्र पहाड़ का दर्जा मिला हुआ है। इसे एक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है जिसमें अंतिम विस्फोट दिसंबर 1707 में हुआ था। ये विश्व के सबसे ज्यादा चढ़ाई किए जाने वाले पहाड़ों में से एक है। सालाना 3 लाख लोग इस पर चढ़ाई के लिए पहुँचते हैं। माउंट कैलाश। कैलाश पर्वत को स्वर्ग की सीढ़ी भी कहा जाता है। ये सबसे पेचीदा पर्वत श्रृंखला है। कैलाश पर्वत तिब्बती पठार से 22,000 फीट की दूरी पर मौजूद है। हिंदुओं और बौद्धों के लिए कैलाश पर्वत मेरू पर्वत का भौतिक अवतार है। समुद्र तल से करीब 6,656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तिब्बत में कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई भी चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ है। यह है तो हिंदुओं का पवित्र स्थल, लेकिन यहाँ जाने के लिए चीन से इजाज़त लेनी पड़ती है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का पवित्र स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि वो अपनी पत्नी पार्वती और अपने वाहन नंदी के साथ यहाँ पर ध्यान में रहते हैं। नंदा देवी उत्तराखंड। नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है। उत्तराखंड में मौजूद ये पर्वत चोटी अपने धार्मिक महत्व और अपने इकोसिस्टम के लिए जानी जाती है। इस पहाड़ का नाम मां नंदा देवी के नाम पर है और इसीलिए इसे पवित्र माना जाता है। इसके आसपास नंदा देवी नेशनल पार्क है जिसे 1988 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। ये पर्वत गढ़वाल हिमालयन रेंज के पॉपुलर ट्रैक में से एक है। माउंट अगुक इंडोनेशिया। माउंट अगुक का बाली के लोगों के लिए खास महत्व है। वो इसे बेहद पवित्र मानते हैं। ये पूर्वी बाली में 10,308 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इसके साथ ही ये एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। 1963 में इस ज्वालामुखी के फटने से करीब 1100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। हर साल इस पहाड़ पर ट्रैक के लिए लाखों सैलानी आते हैं। 2017 में भी इस ज्वालामुखी के फटने से कई दिनों तक हवाई यात्रा बंद रखी गई थी।